नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जेनिद्रा स्लीप, क्यों हमें सोना चाहिए। और आज के टॉपिक का नाम है इन स्टेप आउट ऑफ स्टेप, अंदर जाना बाहर आना। देखिए, इस पूरी की पूरी सीरीज़ को अगर एक सेंटेंस में कहना हो तो नींद मतलब लाइफ सेविंग मेडिसिन। 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद, या उतनी नींद जिसमें आपकी अपने आप से नींद खुल जाए बिना अलार्म के, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानलेवा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी चीज़ को गहरे घुसने के लिए पढ़ते हैं। सेटिंग कैफीन असाइड फॉर अ मोमेंट, यू मे हैव अज्यूम्ड दैट द टू गवर्निंग फोर्सेज दैट रेगुलेट योर स्लीप, द 24-आवर सर्केडियन रिदम and suprachiasmatic nucleus and the sleep pressure signal of adenosine communicate with each other so as to unite their influence. कह रहे हैं कि अभी कैफीन को हटा दीजिए, कॉफ़ी को अवॉइड कर दीजिए पीना, लेकिन दो फोर्सेज हैं जो नींद आपको पैदा करती हैं। सबसे पहला आपकी सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मतलब बॉडी का रिदम है जो दिन में सग जगता है, रात को सोता है, बॉडी क्लॉक। और दूसरा है आपके अंदर में स्लीप प्रेशर क्रिएट होता है एडिनोसिन द्वारा, एक केमिकल रिलीज होता है उससे स्लीप प्रेशर क्रिएट होता है। इन दोनों को मिलकर के हमको नींद आती है। इन एक्चुअल फैक्ट दे डोंट, दे आर टू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट सिस्टम दैट आर इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर। आपको लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दोनों अलग अलग सिस्टम हैं जिनको एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं है। बॉडी क्लॉक अलग सिस्टम है और एडिनोसिन जो बॉडी में निकलता है वो अलग सिस्टम है। दे आर नॉट कपल्ड, वो कपल नहीं है, दो दे आर यूजुअली अलाइंड, जबकि फिर भी ये दोनों अलाइंड है, साथ में ही आते हैं। फिगर 4 एनकम्पासेस 48 आवर्स ऑफ टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 2 days and 2 nights। ये एक फिगर है, ये 24 घंटा 1, 24 घंटा 2, ये आपका स्लीप का एक साइकिल दिखाया है। उसमें दो उल्टा वी है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो जो ऊपर वाला है वो है स्लीप ड्राइव, नीचे वाला है सर्केडियन रिदम। जो ऊपर वाला है वो है एडिनोसिन, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जब एकदम ऊपर बढ़ गया तो आपको नींद आएगी। नीचे वाला है रिदम, सर्केडियन रिदम, दिन में आपको नींद नहीं आएगी, फिर जब रात आएगी तो उस रिदम में आपकी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और नींद आएगी। जब ऊपर एडिनोसिन बहुत ज़्यादा होगा उस समय आपको नींद आएगी, फिर एडिनोसिन ख़त्म हो गया रात को तो आपकी नींद टूट जाएगी, फिर नींद खुलेगी। फिर जैसे नींद खुली, एडिनोसिन बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, एकदम पीक पर गया, आपको नींद आएगी। और इसी बीच में आपका जो सर्केडियन रिदम है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो ये 48 घंटे का एक साइकिल बनाया हुआ है। इस साइकिल को समझना, थोड़ा समझना होगा, क्योंकि जब हम ये साइकिल तोड़ते हैं तो ऐसा ग्राफ बनता है जिसमें कि सर्केडियन रिदम तो ऐसे चल रहा है लेकिन एडिनोसिन ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन हम सो नहीं रहे। अच्छा, और हम सो नहीं रहे तो ये दिखा रहा है कि सर्केडियन रिदम तो अपना बॉडी क्लॉक चलती रहती है, लेकिन जो केमिकल रिलीज होता है, हाँ, कि जब आप बॉडी में एडिनोसिन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आपको नींद आ रही है, स्लीप प्रेशर आ रहा है, लेकिन आपने उसको कॉफ़ी से रोक दिया है या किसी और तरीके से रोक दिया है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि आपको भूख लग रही है और आप खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ खा ली है जिससे आपकी भूख मर जाए, और भूख अंदर लग रही है लेकिन आपने भूख मार दिया है। इंडिपेंडेंस डे एंड नाइट, मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये समझा दिया है। हैव यू एवर पुल्ड एन ऑल नाइटर, क्या ऐसा कभी किया है आपने, रात भर जगे हो, कभी जगे हैं आप? श्री एक बार जगे हैं आप? कई बार जगे हैं आप? आप बहुत बार सर, रात भर जगे हैं? मैंने दो बार, दो इम्तिहान में, नहीं एक बार तो मम्मी चली गई थी तो रात भर हम लोग, मैं और बब्बू वीडियो गेम खेले थे रात भर, सुबह 9 बजे सोए थे, और एक बार रात भर हम जगे थे, इम्तिहान की पढ़ाई कर रहे थे, फेल हो गए थे उसमें। इसको बोलते हैं ऑल नाइटर। नहीं, शादी में भी कई बार, शादियों में रात भर जगते हैं हम लोग,
इसको बोलते हैं ऑल नाइटर फोर्जिंग स्लीप एंड रिमेनिंग अवेक थ्रू आउट द फॉलोइंग डे, कि रात पूरी रात भर आप नींद छोड़ दें और उसके बाद अगले दिन आप जगते रहें पूरा दिन. इफ़ यू हैव एंड कैन रिमेंबर मच ऑफ एनीथिंग अबाउट इट, यू मे रिकॉल दैट देयर वॉज टाइम्स वेन यू फेल्ट ट्रूली मिजरेबल एंड स्लीपी, येट देयर वर अदर मोमेंट्स वेन डिस्पाइट हैविंग बीन अवेक फॉर लॉन्गर यू पैराडॉक्सिकली फेल्ट मोर अलर्ट. अगर आपने ऑल नाइटर रखा होगा तो आपने देखा होगा कभी कभी तो बहुत जोर से नींद आती थी और कभी कभी नींद खत्म, एकदम फ्रेश ताज़ा लगता था. वाई आई डोंट एडवाइज एनी वन टू कंडक्ट दिस सेल्फ एक्सपेरिमेंट, बट असेसिंग अ पर्सन्स अलर्टनेस अक्रॉस 24 आवर्स ऑफ टोटल स्लीप डिप्रिवेशन इज वन वे दैट साइंटिस्ट्स कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट द टू फोर्सेज डिटरमाइन व्हेन यू वांट टू बी अवेक एंड स्लीप. द 24 आवर सर्कैडियन रिदम एंड द स्लीपीनेस सिग्नल ऑफ द एडेनोसिन आर इंडिपेंडेंट एंड कैन बी डीकपल्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लॉक स्टेप्स. मैंने कहा था आज की वीडियो में शुरुआत में कि ये दो अलग अलग फोर्सेज हैं. कौन कौन सी? ये सर्कैडियन रिदम, हम हमारी बॉडी का क्लॉक, और दूसरा एडेनोसिन केमिकल, इसको बोलते हैं स्लीप प्रेशर. और ये दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं, होते एक साथ ही हैं. अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग करवा दें. आप चाहें तो एडेनोसिन जो कम हो जाता है उसको आप ना कम कराएं, बढ़ा भी सकते हैं, जो कि ऑल नाइटर में होता है. ऑथर कह रहे हैं मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि आप रात भर जगने वाला एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन फिर भी यही करा करके साइंटिस्ट लोगों ने दिखाया है कि हमारी स्लीप कैसे चलती है. लेट्स कंसिडर फिगर 7. तो चलिए, ये जो फिगर 7 है ये भी दो दिन का फिगर है. नीचे वाला जो लाइन है वो दिखा रहा है सर्कैडियन रिदम, और ऊपर वाला लाइन क्या दिखा रही है? एडेनोसिन स्लीप साइकिल, स्लीप प्रेशर. इन दिस सिनेरियो द वॉलंटियर इज गोइंग टू स्टे अवेक ऑल नाइट एंड ऑल डे. इसमें जो वॉलंटियर है वो पूरी रात जगेगा और पूरा दिन जगेगा. एट द नाइट ऑफ द स्लीप डिप्रिवेशन मार्चेस फॉरवर्ड द स्लीप प्रेशर ऑफ द एडेनोसिन अपर लाइन रेजेस प्रोग्रेसिवली. सबसे पहले दिन जिसे नॉर्मल होता है वो एडेनोसिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. अगर नॉर्मल होता, रात भर जगता नहीं, सोता, तो वो गिर जाता. जब हम सोते हैं तब एडेनोसिन गिरता है. अच्छा, अगर आपने किसी तरह से भी अपने आप को जगा दिया तो जो स्लीप प्रेशर वाला केमिकल है वो बढ़ता ही रहेगा. ये ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए कि आपका गैस सिलेंडर आपने चालू किया और माचिस जलाया, तो जब माचिस जला रहे हैं तो जो सिलेंडर है, गैस जो है वो ख़त्म होती जा रही है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपने माचिस जलाना भूल गए, तो अब वो सिलेंडर जो है वो गैस किचन में फैलता जा रहा है. ऐसे ही एडेनोसिन, अगर आप रात भर जग गए तो आपका एडेनोसिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. अगले दिन तक वहाँ तक हो गया. तो ये जो गैप है, ओवर पावरिंग अर्ज टू स्लीप, आपके अंदर में नींद आने की और ज़्यादा अर्ज बढ़ती जा रही है. बाई रिमेनिंग अवेक एंड ब्लॉकिंग एक्सेस टू एडेनोसिन ड्रेन दैट स्लीप ओपन्स अप. ये जो एडेनोसिन ख़त्म होता है वो स्लीप की वजह से ही होता है. अगर आप नहीं सोते हैं तो एडेनोसिन कम नहीं हो पाता है. हाँ, द ब्रेन इज अनेबल टू गेट रिड ऑफ केमिकल स्लीप प्रेशर. The mounting adenosine level continues to rise. This should mean that the longer you are awake, the sleepier you feel. इसलिए जितना देर तक आप जगते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको नींद आती है. But that's not true. लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है. आप जगते हैं, नींद बहुत आती है, फिर कम नींद आती है. कम नींद क्यों आती है? मतलब कभी कभी आप रात भर जगे और फिर अचानक से दिन में आप सोए नहीं, अगले दिन काम कर रहे हैं. आप बता रहे हैं कि एक महीने तक जग जग के काम किया. वो इसलिए क्योंकि दो फैक्टर हैं सोने में, एक तरफ सर्कैडियन रिदम भी है. इसलिए जब ये सर्कैडियन रिदम नीचे आता है तो आपका जो स्लीप का मन है वो कम हो जाता है, फिर सर्कैडियन रिदम ऊपर आता है तो रिदम बढ़ जाता है. दो फैक्टर हैं. आपने एक फैक्टर को तो रोक लिया, एडेनोसिन को रोक लिया जग करके, लेकिन जो बॉडी क्लॉक है उसको तो पता है ना कि अब रात हुई है, उसको सोना चाहिए, अब दिन हो गया, अब मुझे जगना चाहिए, इसलिए बीच बीच में आपकी नींद कम हो जाती है. बड़ी अजीब चीज़ है, आपको नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है. इफ़ यू लुक एट फिगर 7 वंस अगेन, द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मिजरी यू एक्सपीरियंस एट 6 AM कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एडेनोसिन स्लीप प्रेशर एंड योर सर्कैडियन रिदम. कह रहे 6 बजे सुबह जो आपको बहुत जोर से नींद आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि आपके अंदर में एडेनोसिन बहुत हाई है और आपका
बॉडी क्लॉक भी कह रहा है, नहीं एक मिनट, हाँ 6 AM ग्रेवयार्ड शिफ्ट मिजरी यू एक्सपीरियंस एट 6 AM कैन एक्सप्लेन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडिनोसिन हाई एंड योर रिदम रीच द लो. अच्छा हाँ सॉरी सॉरी उल्टा है. सबसे बुरी चीज़ यह है सुबह सुबह रात भर जगे हैं आप एकदम रात भर, दो चीज़ें हुई, सर्कैडियन रिदम बोल रहा है उठने का टाइम हो गया, एडिनोसिन कह रहा है सोने का, और एडिनोसिन कह रहा है सोने का टाइम, जो नॉर्मली दोनों कहते थे उठने का टाइम है, एक कह रहा है उठो एक कह रहा है सो. ये कह रहे हैं ये है ग्रेवयार्ड शिफ्ट, मतलब ग्रेवयार्ड मतलब जहां पर लोगों को दफन करते हैं, मौत वाला शिफ्ट है. जो आदमी रात भर जग लेता है उसकी बॉडी में एक तरह से मौत वाली चीजें बॉडी में होना शुरू हो जाती है. जनेबिया के हिसाब से इमोशन सोने को मन करता है, इंटेलिजेंस का रंग. हाँ ऐसे ही ये केमिकल रिलीज, जब आप रात भर जगे हैं तो आपको नींद आनी चाहिए लेकिन नहीं आएगी सुबह. क्यों क्यों नहीं आएगी? हमारी बॉडी ब्लॉक बोल रही है हाँ उठ जाओ, लेकिन क्या चीज़ बोल रहा है सो जाओ, एडिनोसिन पंप. हाँ द वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग दिस टू लाइंस एट 3 AM इज लार्ज इंडिकेटेड बाय फर्स्ट वर्टिकल एरो इन द फिगर, बट इफ यू कैन मेक इट पास दिस अलर्टनेस लो पॉइंट यू आर फुल फॉर रैली. सिंपल सी बात है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्लीप, ये पॉइंट जहां पर आपकी बॉडी क्लॉक कह रही है सोना है, ये है 11 बजे रात को, 11 बजे, और आप क्या कर रहे हैं? जग रहे हैं. जग नहीं रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं और उनो खेल रहे हैं अपने दोस्त के साथ, कुछ कर रहे हैं जग रहे हैं. उसके बाद आया सुबह का टाइम, हाँ, फिर आया रात का टाइम. अगर आप इस टाइम पर नहीं सोए तो फिर ये है आपका एडिनोसिन. वो पहले क्या होता था, पिच करके नीचे गिरता था, अब क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है. हम लोग बोलते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब खाली पेट गैस होता है, कुछ खा ले. बिल्कुल सही बात है, भरे पेट भी गैस होता है. तो ये ऐसे ही है कि आपके आँख के अंदर गैस घुस गया है. जब आप सो लेते हैं तो गैस खत्म, जग लेते हैं तो गैस और बढ़ के बढ़ गया है, नींद नहीं आएगी आपको बॉडी की वजह से, लेकिन रात बर्बाद हो जाएगी, अगला दिन भी बर्बाद हो जाएगा. श्रीश तो मेरे साथ बैठे ही हैं, तुम भी हो, सब लोग हैं यहाँ पे, तो लास्ट सवाल का जवाब दे लें. एम आई गेटिंग इनफ स्लीप, सवाल ये है कि क्या मुझे पर्याप्त नींद मिल रही है. ये मुश्किल चैप्टर है इसलिए मैं इसके ज़रिए इसको ख़त्म करूँगा, इसमें लग जाएगा 10 मिनट. है मेरे साथ. सेटिंग असाइड एक्सट्रीम केस ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन, हाउ डू यू नो वेदर यू आर रूटीनली गेटिंग इनफ स्लीप. इसके पहले जो हमने देखा है उसका एक ही मतलब है, रात भर का जगना बंद, ये सुसाइड है. अगर आप कंटिन्यूसली बिना सोए 4-5 दिन, 24 घंटे तो खराब ही है, अगर आपने बहुत हिम्मती है 2-4 दिन रहे तो धीमे धीमे आपको होना शुरू हो जाएगा हेलुसिनेशंस, कानों में आवाज आएंगी. जिसके जींस में वो अपना जगे, जिसके जींस में वो अपना जगे, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि किसी तरह से झपकी आ जाती है, जब झपकी आती है कुछ मिनट के लिए तो एडिनोसिन पंप थोड़ा सा गिर जाता है. बट अभी आप आगे देखेंगे ये खाली ये दो चीज़ों का खेल नहीं है. अभी आप देखेंगे कि सोने से, मैं तो इसको बार बार जोड़ रहा हूँ मॉलिकुलर बॉडी से, कि जब हम मॉलिकुलर बॉडी में जाते हैं, सपने की दुनिया में जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम वो सब कट करते रहे. अगर आप 24 घंटे तक जग रहे हैं तो आप अपनी एक तरह से आत्मा से दूर होते जा रहे हैं. खैर सवाल ये है कि कैसे डिसाइड करें कि हमको पर्याप्त मात्रा में स्लीप मिल रही है कि नहीं. वाइल क्लिनिकल स्लीप असेसमेंट इज नीडेड, आपको हॉस्पिटल से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए, फिर भी इजी रूल ऑफ थंब, एक आसान तरीके से हम बता दें, आंसर टू सिंपल क्वेश्चंस, दो सवाल पूछिए. फर्स्ट, आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग कुड यू फॉल बैक अस्लीप एट 10 or 11 AM. आप सुबह सुबह उठे और अगर आप फिर से बिस्तर पर जाते हैं तो क्या आपको नींद आ रही है? अगर आ रही है इसका मतलब आपने पर्याप्त नींद नहीं ली. दूसरा है,
कैन यू फंक्शन ऑप्टिमली विदाउट कैफीन बिफोर नून? आप सुबह सुबह उठे और आप कोई चाय नहीं पी रहे हैं, कोई कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं और आप आराम से काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सोए हैं ठीक ठाक। नहीं तो 90% लोगों के साथ ये होता है, सुबह उठे यार काम नहीं कर पा रहे हैं, पहले कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ चाय वाय मिल जाए तब फ्रेश हो, तब काम कर पाएंगे। बोथ दीज साइंस यू शुड टेक सीरियसली एंड सीक टू एड्रेस योर स्लीप डिफिशियंसी। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, आप बिना चाय के काम नहीं कर पा रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं नींद आ रही, चलो नहा धो लो, ब्रश कर लो, उसके बाद काम करो, इसका मतलब आपको हो रहा है स्लीप डिप्रिवेशन। जैसे विटामिन बी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, ऐसे ही आपको हो रही है नींद की कमी। और बाकी तो डिटेल से मैं उसको कल देखता हूँ, बताऊँगा, ठीक है। वो चीज़ हमें के लिए नहीं, जी ने के हिसाब से कि सुबह में जो मौसम ही होता है जो सुकून मिलता है, हम सोना चाहते हैं। अच्छा वो वाला टाइम हो गया झगड़े का, जब मतलब ये अच्छा वो सो क्वेश्चन आपके हिसाब से देखिए, अभी आप जनोगा को इस पर मत लाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनोगा में एक और फैक्टर है जो इसमें नहीं है, क्या है बताइए? एक तो फूड है, दूसरा मेंटल हेल्थ या तो ब्रीदिंग, तीसरा मेडिटेशन टाइप की ऑब्जर्वेशनल चीज़। तो ओवरऑल जरूर बात करती है रेस्ट की, कि आपको रेस्टेड होना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप खाने की मात्रा सब कुछ ठीक है, जनुगा यही कहती है जो यहाँ कहा गया है कि अपने साथ कोई भी चीज़ जबरदस्ती ना करें। अगर आपको सुबह उठ करके अच्छा फ्रेश हो रहा है, लग रहा है, तो एकदम सही है, आपको उठना चाहिए। ये भी कह रहा है, ये उठने के बाद वापस सोने का तो मन नहीं कर रहा है। अगर आप सुबह उठने के बाद में नींद आ रही है तो आप थोड़ा सा और सो लीजिए। मैं क्या करता था जरूर के साथ कि सुबह उठे, अगर मुझे उठ करके काम पे जाना है और जल्दी उठना है सुबह, तो मैं बुक उठा करके पेट पर रख लेता था, 3 स्टेप करता था और उसके बाद 15 मिनट में नींद खुल जाती थी। तो मुझे लगता है जो 3 स्टेप ब्रीदिंग होती है उससे भी बॉडी में कुछ रिलैक्सेशन ऐसा होता है कि नींद पूरी हो जाती है। बट फिलहाल अभी किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए, अभी स्लीप को पहले अच्छे से समझिए। जो आप फॉलो कर रहे हैं रूटीन वो फॉलो करिए। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हमारे दिमाग में जाएगा, जो जनोगा में हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में है, ये दोनों हो जाएगा इंटीग्रेटेड या तो मर्ज, और फिर जैसे हमको सोना होगा जगना होगा हम कर लेंगे भाई, ठीक है।